नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वक्त हम लोग संविधान के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज के इस लेक्चर में उच्च न्यायालय पर चर्चा करेंगे। बेसिकली भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और सामान्यतया ये व्यवस्था देखी जाती है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, लेकिन भारत में पद सोपानिक व्यवस्था पर आधारित एकीकृत न्याय व्यवस्था बनाई गई है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है और मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था बनाई गई है। भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं है, बल्कि जो है एकीकृत जो है न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत जो है न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई गई है। यह संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होने के साथ साथ भी दोहरी व्यवस्था ना होकर के एकीकृत न्यायपालिका की जो है स्थापना की गई है। और इसी चूंकि भारत में संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 1 में जो है यह लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन संघ के लिए फेडरल शब्द के स्थान पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए दोहरी न्यायपालिका न होकर के एकीकृत न्यायपालिका स्थापित की गई, जिसमें पद सोपानिक ढांचे की स्थापना की गई है, यानी कि वो इस तरीके की न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत जो है शीर्ष पर जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यहाँ पे जो है हाई कोर्ट की स्थापना और इसके अंतर्गत है जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से जो है भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना पद सोपानिक ढांचे पर किया गया, जहां पे शीर्ष में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत में सबसे पहली बार जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो 1862 ईस्वी में जो है तीन, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। पूर्व में यही अंग्रेजों के शासनकाल तक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करते थे दक्षिण भारत में, और इन्हीं तीनों शहरों में जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1866 ईस्वी में आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ से जो भी अभी तक चीजें बताई गई, यहाँ सभी से सवाल अभी तक पूछे गए हैं, इसलिए उच्च न्यायालय के बारे में जो हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें और इससे संबंधित सवाल जो परीक्षा में पूछे जाए वो आप लोग हल कर सके। तो बेसिकली ये चीज अभी तक आपको समझ में आई होगी, वर्तमान समय में इंडिया में जो है 25 उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया जा चुका है और सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों या संघराज क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है। और इसी तरीके से भारत के कई उच्च न्यायालय हैं, जो कि आपको सारणी में देखने को मिलेगा कि कई ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहां पर एक ही राज्य, एक ही उच्च न्यायालय के अधीन दो या दो से अधिक राज्य या संघराज क्षेत्र जो है काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह व्यवस्था यहां पर विद्यमान है। 25 राज्यों में जो है 25 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में है, इनकी संख्या भी जो है समय अनुसार राज्य में उनकी मांग के अनुसार, विवादों के अनुसार, मुकदमों के अनुसार बढ़ता रहता है। तो यह एक जो है सामान्य परिचय उच्च न्यायालय के संदर्भ में आप लोगों को देखने को जो है मिलती है। अब हम उच्च न्यायालय के जो संवैधानिक ढांचे को देखने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा और जैसा कि सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बताया गया है कि एक ही उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्य या संघराज क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में भूमिका अदा कर सकता है। ये आर्टिकल 214 में है। और 215 में जो है कहा गया है अभिलेख न्यायालय 215 में बताया गया है कि यह अभिलेख न्यायालय के रूप में काम किया जाएगा। इसके द्वारा दिए गए निर्णय जो है वो लेखांकित करके रखे जाएंगे और किसी भी
मुकदमे की सुनवाई करने के दौरान अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके विधि मान्यता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी मुकदमा है उसमें निर्णय आया है और उसी प्रकार के मुकदमे में उसी निर्णय को रखा जाएगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा। आर्टिकल 261 के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ रहे थे केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध को, तो वहां पे भी बताया गया है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की जो है समस्त कार्यवाहियां, लेखा के कार्य और न्यायिक निर्णय को जो है समान रूप से सभी जगहों पे मान्यता दिया जाएगा। तो अभिलेख न्यायालय की इसमें चर्चा की गई है और 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा और अन्य न्यायाधीशों का निर्णय जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। यहां पर केंद्र और राज्य में यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में यह अंतर आपको समझना होगा कि वहां सदस्यों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित होती है और वो निश्चित करने का काम या बढ़ाने का काम संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहां पर इस तरीके से नहीं है कुछ व्यवस्था। यहां पे राष्ट्रपति के ऊपर है कि राष्ट्रपति जो है उनमें न्यायाधीशों की संख्या की जो नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 217 में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर किया जाता है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के यदि अन्य न्यायाधीशों की जहां तक बात है तो उसमें जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी जो है परामर्श लिया जाता है। तो ये जो है नियुक्ति की जो है एक व्यवस्था है। अब यहां तक हम लोगों ने 214, 15, 16, 17 एक चीज और भी ध्यान में रखना होगा कि पढ़ाई करने के दौरान आप 395 अनुच्छेदों को रट नहीं सकते और रटने का कोई निहितार्थ भी नहीं है, लेकिन यहां पे यह ध्यान में रखना होगा कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनकी जो है तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहां से सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप जब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन कर लेंगे तो उसके आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वैकल्पिक प्रश्नों में कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया जो है मिलता है। या कूट वाले सवालों में जब आपके कुछ प्रश्न या कुछ अनुच्छेद क्लियर होंगे, उनके बारे में जानकारी होगी, तो अनुच्छेदों के जो है उत्तर को निकालना आपके लिए आसान होगा। तो 214, 15, 16, 17 यानी 14 में जो उच्च न्यायालय की स्थापना अभिलेख न्यायालय है इसमें एक मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बना है, यानी कि उच्च न्यायालय का इसमें जो है क्या है संरचना है। और इसमें जो है 217 में जो है क्या है इनकी नियुक्ति की जो प्रणाली है। अब हम ये देखेंगे योग्यता जो है ये भारत का नागरिक हो ये होना ही है, भारत का नागरिक। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है इन्हें न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव या अधिवक्ता हूं ये भी 10 वर्ष है। आपको यहां पे ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं तो उन्हें जो 10 वर्ष के स्थान पे 5 ही वर्ष रहना, लेकिन वह जो है हाई कोर्ट के संदर्भ में कहा गया था, लेकिन यहां न्यायिक सेवा का तात्पर्य जो है वो उससे नीचे के न्यायालयों में भी हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों की जो है बात की जा रही है, तो इसीलिए यहां पे 10 वर्ष का अनुभव कर दिया गया। जबकि अधिवक्ता के बारे में ये व्यवस्था है कि अधिवक्ता या तो जो वो हाई कोर्ट में हो या अधीनस्थ न्यायालय, दोनों में मिला करके इनके पास जो है 10 वर्ष के जो है अनुभव। तो ये दोनों, एक ये व्यवस्था हो गई, दो ये हो गई या ये हो गई, मतलब इनमें से कोई एक जो है वो तो किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ये इसमें जो है योग्यता की बात कही गई। लेकिन जो केंद्र में आप लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के जो है अनुसार कोई वो विधिवेत्ता हो, तो उस तरीके से किसी व्यक्ति की यहां पर जो है न्यायाधीश के रूप में
नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो यह इसमें जो एक अंतर है। कार्यकाल, इनका भी कोई जो है एक आवधिक कार्यकाल नहीं है, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष, लेकिन यहां पे ध्यान में रखना होगा कि 65 वर्ष की आयु तक, पहले यहां 62 वर्ष था, लेकिन अब यहां पर भी 65 वर्ष की आयु निर्धारित कर दिया गया है कि ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके पूर्व भी ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और इन्हें जो है उसके पूर्व हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने से पूर्व सदन दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है। तो हम हटाने की जो व्यवस्था है थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, और ये वही है जो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट में जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से है, उसी तरीके की व्यवस्था जो है वो हाई कोर्ट के संदर्भ में भी है कि वो दोनों ही सदनों में लाया जा सकता है। 100 और 50 के हस्ताक्षर के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, 3 सदस्य उसमें समिति बनेगी, और उसके रिकमेंडेशन और रिपोर्ट के आधार पर दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होगा, तब राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था इनके संदर्भ में देखने को मिल रही है। आप इनके लिए जो है प्रतिबंध, एक और चीज हम लोग देखेंगे, प्रतिबंध आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 के अंतर्गत ये जो बताया गया है कि हाई कोर्ट के जज जब रिटायर होंगे तो उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्चतम न्यायालय और अन्य जो है उच्च न्यायालय को छोड़ करके उसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ जो न्यायालयों में वकालत नहीं कर पाएंगे। मतलब दो जगहों पे सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में जो कर सकते हैं, लेकिन उसी और सबॉर्डिनेट कोर्ट में, इन दोनों में जो है ये वकालत नहीं कर सकते हैं। तो अन्य में कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसी उच्च न्यायालय में या सबॉर्डिनेट कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाएगा यदि वहां पर उन्होंने काम किया है तो इस बात की संभावना बनी रहेगी कि वहां से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इस तरीके का प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो जो है उसी कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालयों में जो वकालत नहीं कर सकते हैं। अब इनका स्थानांतरण के बारे में देखिए, आर्टिकल जो है 222 में कहा गया है, आर्टिकल 222 में जो है कहा गया है कि इनका स्थानांतरण किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जिन न्यायालयों को इन दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो परामर्श लेते हुए जो इन्हें इनका जो है ट्रांसफर किया जा सकता है आर्टिकल 222 में। यहाँ पर सभी दो दो ही दिख रहे हैं, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पे ये इनको ले जाया जा सकता है, तो थोड़ा सा एक जो इसमें समरूपता दिखाई पड़ रही है। तो 222 में इस तरीके का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से 223 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे भी है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उसी तरीके से है जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता था। यदि जो है मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो, अक्षम हो काम करने में, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन करने में सफल है या हो सकता है, उसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 224 में जो है आर्टिकल 224 में जो है कहा गया है कि अपर न्यायाधीश की जो व्यवस्था, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति यदि कार्य जो बढ़ जाता है, बकाया का ज्यादा हो जाता है, तो इन्हें जो है अपर न्यायाधीश की भी नियुक्ति आर्टिकल 224 के अंतर्गत जो है किया जा सकता है। आर्टिकल 224 के अंतर्गत अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। इसी तरीके से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी नियुक्ति यहाँ पे की जा सकती है, उसे जो है कार्यकारी न्यायाधीश कहा जाता है। तो ये व्यवस्थाएं उसी तरीके से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है, उसी तरीके से कुछ थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ यहां भी जो है बनाया गया है।
तो ये व्यवस्था है, आप लोगों ने देखा कि प्रतिबंध 220 में है, 222 में स्थानांतरण है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के जो बारे में प्रावधान और व्यवस्था किया गया है। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसे हम यहाँ पर देख लेना जो है उचित समझेंगे, बत्तीस और 226 ये दोनों एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं इसको समझ लेना आवश्यक है। 32 में भी पांच प्रकार की रीटें हैं, इसमें भी पांच प्रकार की रीटें हैं। ये केवल जो है मौलिक अधिकार के लिए जो है जारी किया जा सकता है, ये मौलिक प्लस अन्य जो है अधिकारों के लिए जारी किया जा सकता है। ये दोनों में अंतर है। जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जा सकता है, वो सीधे 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। लेकिन अंतर यह है कि पांच प्रकार की रिटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जबकि 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ साथ वो अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी जा सकता है। ये 32 अंक छोटा है इसलिए केवल एक काम यहाँ हो सकता है, 226 जो है बड़ा है इसलिए एक के साथ दोनों। यद्यपि ये परीक्षा में लिखने वाली चीज नहीं है, ये केवल इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा सा याद करने का आपको तरीका जो है मिलता रहे। तो 226 के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर ली, ये भी बहुत ही जरूरी चीज है। अब हम कार्य और शक्तियों को थोड़ा सा देखेंगे, कार्यों शक्तियां प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या तात्पर्य है? ऐसे जो है विषय से संबंधित जो है मुकदमे जो पहली बार केवल हाई कोर्ट में ही प्रस्तुत किया जा सकता है उसे इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मान लिया जाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मान लिया जाता है, कहने का मतलब उसे नीचे की कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार तो आता है, यद्यपि यह समवर्ती अधिकार है कि व्यक्ति जो है हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन इसके नीचे उसे जो है नहीं ले जाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी मुकदमे होंगे वो पहली बार इससे नीचे की कोर्ट में नहीं ला जा सकता। संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी सवाल उत्पन्न होते हैं, विवाह है, तलाक है, वसीयत है, कंपनी ला है, अवमानना से संबंधित मामले हैं, ये सारी चीजें जो है सबसे पहली बार जो है वो हाई कोर्ट में ही जो है लाई जा सकती है। दूसरा है जो है अपीलीय, दूसरा जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय, डिग्री और अंतिम आदेश के विरुद्ध जो है मुकदमों की सुनवाई करने का जो है अधिकार है, इसे ही अपीलीय अधिकार कहा जाता है। सिविल मामलों में जो है यदि, यहाँ दो तरीके के मामले को हम देख लेंगे, सिविल न्यायालयों में यदि 5 लाख रुपए के से जो है अधिक मूल्य का कोई निर्णय है तो इसमें जो है यहाँ पे अपील किया जा सकता है। और जैसा कि तीन पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें जो है मद्रास, मुंबई और कलकत्ता जो उच्च न्यायालय थे, इन तीनों जगहों पे अंतः न्यायालयी व्यवस्था पहले लागू हुई थी और उसमें कुछ ऐसे भी व्यवस्थाएं होती थी कि एक न्यायाधीश के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध भी पुनः वहां पे किया जा सकता था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अपील की ही व्यवस्था मानी जाती है। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो पंचायतों के द्वारा निर्णय होंगे उसमें सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय पहले हाई कोर्ट जाया जाएगा, क्योंकि अधिकरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं, तो इसलिए जो है वहां पे भी अंतः न्यायालय व्यवस्था के साथ साथ जो है पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। आपराधिक मामलों में 7 वर्ष की से जो है अधिक जो है सजा, 7 वर्ष से अधिक की जो सजा वाले जो है मामले हैं उसमें जो है निर्णय के विरुद्ध जो है अपील हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। और दूसरी बात, यदि अधीनस्थ न्यायालय से मृत्युदंड की सजा मिलती है तो उसका अनुमोदन जो है वो हाई कोर्ट से होना जरूरी होता है। इसी तरीके से जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है उसके अंतर्गत भी कुछ जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में जो है, तो उसके जो है उसमें भी जो निर्णय दिए जाते हैं उसके भी विरुद्ध जो है कई बार हाई कोर्ट में कई मामलों में जाने का जो प्रावधान होता है। तो इस तरीके से जो है सिविल मामले और आपराधिक मामलों के विभिन्न प्रकार के निर्णयों के विरुद्ध भी जो है अपीलीय मामलों में, अपीलीय जो मुकदमे होते हैं वो अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास होता है। तो
तो ये चीजें दोनों आपको समझ में आई होंगी। मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 5 लाख रुपए है और यहाँ 7 वर्ष की जो है सजा का एक डेडलाइन है। इसके बाद के जो केसेज हैं उसमें अपील किया जा सकता है। बाकी उसके साथ साथ मृत्युदंड के मामले में अनुमोदन हाईकोर्ट से होता है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में भी जो है कुछ निर्णय है जिसपे जो है यहाँ पे अपील किया जा सकता है। पर्यवेक्षणीय जो है शक्ति हाई कोर्ट के पास अपने क्षेत्र में जो है उच्च न्यायालय अपने प्रदेश में जो है स्थापित सैन्य न्यायालय को छोड़ करके सभी जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर उसका पर्यवेक्षणीय अधीक्षण जो है शक्ति होती है। इसके अंतर्गत जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों में वो नियम प्रक्रिया या जो है प्रक्रिया और संचालन के लिए नियम, वहां लेखा के प्रारूप, वकील, शेरिफ और क्लर्क इत्यादि के फीस आदि को जो है निर्धारित करने का काम वहां पे किसका होता है, हाई कोर्ट का होता है। यही इसका जो पर्यवेक्षणीय कार्य के अंतर्गत आता है। प्रशासकीय कार्य भी होता है, प्रशासकीय कार्य करते हैं। प्रशासकीय कार्य का मतलब ये हो गया कि न्यायालयों का मुख्य काम क्या है, मुकदमों की सुनवाई करना और उसमें जो भी न्याय दिए जा सकते हैं उसमें निर्णय सुनाना, विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करके निर्णय देना। लेकिन इसी प्रशासकीय जो है अपने अधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट यह देखता है कि अधीनस्थ न्यायालय क्या कोई ऐसे भी तो मामले पर सुनवाई नहीं कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई विधि का सारवान प्रश्न उसमें अंतर नहीं थी। यदि ऐसा होता है तो अपने पास उसकी सूचना जो है मंगाता है। ये इसके प्रशासकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी कुछ अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में जैसे 235 में यह बताया गया है कि जिला न्यायाधीश के पद स्थापना, नियुक्ति और पदोन्नति के संदर्भ में जो निर्णय है वो राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो परामर्श से किया जाता है। और इसी में 234 में जो है 234 में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है कि नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल उस राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय और उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर्ती करते हैं। इसीलिए जो है इसकी भर्ती संबंधित राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन या PCSJ के नाम से परीक्षाएं आयोजित करता है जो कि 234 के अंदर बनाया गया। ये अदर देन जो है चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो पदों पर भर्ती होती है वही धीरे धीरे प्रमोशन करके आगे जाते हैं। तो यहाँ पे अन्य न्यायाधीशों की जो भर्ती होती है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है और ये माना जाता है कि ये राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जा रहा है। आर्टिकल 235 में कहा गया है कि जिले में जो है अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के अलावा जो भी कर्मचारी इत्यादि होते हैं जो नियम प्रक्रिया इत्यादि का भी निर्धारण जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नियम प्रक्रिया इत्यादि का जो वर्णन है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है। तो ये इसका जो है कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा जो है अभिलेख न्यायालय पर हम लोगों ने चर्चा किया क्या है और ये आर्टिकल 215 में ही प्रारंभ में बनाया गया है। और छठवां है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो व्यक्ति की मौलिक अधिकार या संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा जो है इसकी समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है जहां तक वो मौलिक अधिकार या संविधान का उल्लंघन करता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं इसके कार्य क्षेत्र। आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय, अभिलेख और न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित जो है यहाँ पे शक्तियां इसके पास होती हैं। तो आप लोगों ने देखा उच्च न्यायालय से संबंधित इस तरीके की जो है व्यवस्थाएं भारत में की गई हैं। और यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली वो ये पूछे जाते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, मौलिक अधिकार के रक्षा के संदर्भ में रिट कौन जारी करता है, तो यहाँ पे दोनों जारी कर सकते हैं बशर्ते यह है कि 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है।
अब इन दोनों में अंतर कभी कभी पूछता है, ये सवाल जो पूछता है मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये केवल मौलिक अधिकार के लिए या अन्यों के लिए भी कर सकता है। कहीं कहीं पे जो है स्थापना पूछ लेता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 1862 ईस्वी में पहली बार हुआ था। इलाहाबाद के बारे में भी पूछा है सवाल, 1866 ईस्वी में इसमें जो है किया गया है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछता है, तो ये राज्य में भले ही होता है लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो अंतर है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, वो यहां पे परामर्श ये अधिकार यहां पे नहीं है। ये ध्यान में रखना होगा कि परामर्श से संबंधित अधिकार यहां पे नहीं, जो कि उच्चतम न्यायालय के पास होता है। तो ये इसके बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो इस तरीके के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। यद्यपि आप लोगों को इससे संबंधित एक कलेक्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर आधारित होगा। तो आज के लेक्चर में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में हम लोगों ने जो है उसके प्रावधान, उसकी नियुक्ति, उसके कार्य शक्तियां इत्यादि के बारे में पढ़ा, और उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में उच्च न्यायालय से संबंधित इतना ही प्रावधान, पुनः अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।